हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों दोनों के बीच में कराएंगे एक कंपटीशन। इधर है लायक टीम और इधर है नालायक टीम। तो आप लोगों से एक क्यूज पूछा जाएगा, एक प्रश्न का 10 पॉइंट मिलेंगे, जिसे हम एजुकेशन क्यूज कहते हैं या कहते हैं या कहे जाएंगे। तो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है लाइकों के लिए। हाँ जी सर, रेडी है। तो क्वेश्चन है, पुराने जमाने के पढ़ाई लिखाई में और आजकल के पढ़ाई लिखाई में क्या अंतर है? पहले के समय में सिलेबस बहुत कम होता था और आजकल के समय में सिलेबस बहुत बढ़ गया है। बताने के डिजाइन तो ठीक था, लेकिन सवाल गलत है। तुम बताओ नालायक। पुराने जमाने में स्टूडेंट लोग टीचर से डरते थे और आजकल के जमाने में टीचर लोग स्टूडेंट से डरते हैं। वाह वाह, जवाब बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं इसी पर 10 पॉइंट। अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ, जो नालायकों से पूछा जाएगा। क्या आप लोग रेडी है? यस सर, रेडी है। तो आपका क्वेश्चन है, अगर किसी क्लास में कोई टीचर कोई बच्चा से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत उसका बड़ाई करता है और बहुत उसको स्मार्ट बताता है, तो आप लोग उससे कैसा अंदाजा लगाएंगे? सर, इस बात से हमें यही पता चलता है कि वह लड़का सर के पास प्राइवेट ट्यूशन पढ़ता होगा। और क्या पढ़ता होगा? वाह वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी के साथ आपका होता है 20 पॉइंट। तो इसी के साथ हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, जो लाइकों से पूछा जाएगा। क्या आप लोग रेडी है? हाँ सर, रेडी है। पूछिए ना, इस बार सवाल का जबड़ा तोड़ देंगे। तो तुम्हारा सवाल है, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में क्या अंतर है? पढ़े लिखे लोगों के पास तमीज होता है, उठने बैठने का तरीका होता है और सोने का भी तरीका होता है और काथुन होता है, सब चीज होता है। सबसे पहले तो तुम ठीक से खड़ा हो तब जवाब दे। चल चल, रहने दे, तेरे बस का बात नहीं है। अब बताएंगे नालायक लोग। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में क्या अंतर है? पढ़े लिखे आदमी जहाँ लिखा होता है कि यहाँ मुतना माना है, तो वहाँ वो आदमी जानबूझकर मुतता है, और जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना माना है, तो वहाँ जानबूझकर थूकता है। और अनपढ़ लोग, अनपढ़ को तो पढ़ना ही नहीं आता है, तो वह जानकर क्या करेगा? बिल्कुल सही जवाब। आपके होते हैं 30 पॉइंट। तो चलो बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल है नालायक लोगों से, जब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो क्यूज एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा होता है? सर, इससे लड़कों का टाइम बच जाता है। छुट्टी होने के बाद लड़कियों के स्कूल के सामने घंटे 2 घंटा लड़कों का खड़ा होकर वेट करना बच जाता है। ए पॉइंट भी नालायक लोगों के खाते में जाता है। तो इसी के साथ आप लोगों को हुआ 40 पॉइंट। पहला राउंड होता है समाप्त। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दूसरा राउंड। ना ना ना, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा राउंड आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा।